आप जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है उतना ही महिलाओं को भी किया गया है। स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, मनोहर पुरुष को देखते, सुंदर पुरुष को देखते द्रवित हो जाती है। ओहो, ये तो कैटी हसन बोले थे, ये अपमान, ये तो कैटी हसन, इनको और ग्रंथ क्यों रिपोर्ट कर की बात, जो बार बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये ले, ये ले, चलो ये पढ़ लीजिए। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या नहीं है बोलने की। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था फिर? जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल सालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जब रामचरितमानस का मिसकोट करके बोलते हैं कि हिंदू महिलाओं का उसमें अपमान हुआ है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि रामचरितमानस में ग्रंथ में कुछ सही लिखा है। इस पर शिवम त्यागी ने उनको दूसरा ग्रंथ जैसे ही लाके क्या दिखा दिया कि वो डिबेट में इस तरह बौखला उठे कि मानो उन पर कोई तलवार चला दी। तो वीडियो आज की बड़ी फनी एंड मजेदार होने वाली, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको समाजवादी पार्टी के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सच्चा सेकुलरिज्म क्या है आपकी नजर में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सदन के भाषण में करा? ये तो एक कठोर सत्य है। इतिहासकार, पुराने जितने यात्री भारत में आए, सबने भारत के गुणगान किया है। भारत एक महान देश है, एक अच्छा देश है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और बहुत मान रही है, हम विश्वगुरु रहे हैं। लेकिन ये उसी बिला पे तो था जिसको ये समाप्त करने पर लगे हुए हैं। ये जो रोजाना नए नए विवाद पैदा करते हैं, ये विवाद इस भारत में नहीं थे। अच्छा, रामचरितमानस का विवाद तो आपने खड़ा करा, लक्ष्मण जी पर विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप खड़ा? वैसे पहले आप रोजगार की बात करो, हाँ, नौकरी की बात करो, क्यों रामचरितमानस की बात कर रहे हो? मैं बता देता हूं, वैसे पहले 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, वो 400 साल तक किसी को पता नहीं लगा, अब समाजवादी पार्टी के महासचिव को पता लगा। तो एक वाक्य में सवाल हमारे समझ में आ गया, जवाब सुन लो आप। इसका जवाब वैसे मैं पहले सेगमेंट में भी दे चुका हूँ, हमें ना रामचरितमानस पे ऐतराज है, ना धर्म पे ऐतराज है, ना सनातन पे ऐतराज है, ना राम पे ऐतराज है। हमें उन शब्दों पे ऐतराज है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं, और ये हमें ऐतराज रहेगा। ओके, और राजनीति का 95% राजनीति कहना शुरू कर, हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ ये कैसा भ्रम फैलाया गया। ये बताइए, ओबीसी वर्ड 1960 से पहले किसी ने सुना था? तो कहां रामायण काल में आ गया 95% लिखा हुआ है? 50% तो डिलीट करिए, 50% वो डिलीट करिए, 50% डिलीट करिए। अरे भाई, सूत्र कहां से हो गए? अरे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, आज के एससी का वैदिक काल सूत्रों से कोई मतलब नहीं है, किताब है, सुनिए तो भाई, खत्म लेटर हुआ, सूत्र आपका नाम है, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3 करने की राजनीति, कोई भी जाके चेक कर सकता है, ये खतरनाक है, ये जो आप गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, गुमराह नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, उस पर भरोसा है कि नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, आप पे भी भरोसा है? अरे सुनिए, आप बता दो उसमें रामचरितमानस में सूत्र लिखा हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैंने अब सुनिए, आप सूत्र कौन है? अरे सुनिए, मैंने तो कहा जो अंबेडकर जी ने कहा वो मैं कह रहा हूं, उनसे बड़े अगर आप हैं जानकार तो बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए, एक एक करके, एक एक करके, सुधांशु त्रिवेदी जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वो इसीलिए तो उठा रहे हैं जो कहते हैं 95 नहीं है, आप जाति जनगणना कराइए, क्लियर हो जाएगा, ये 96 निकलेंगे सारी, तो महिलाएं उसी में आती हैं। आप जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है उतना ही महिलाओं को भी किया गया है। ये गलत है, ये गलत है, दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस, बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया, दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। महिलाओं के खिलाफ वाली चार चौपाई, बोलिए, महिलाओं के खिलाफ वाली चार चौपाई, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी हो ही विकल सक महीन रोक मनही न रोकी जो रवि मनि द्रव रवि विलोकी। ठीक है, बताइए, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल का तो स्पष्टीकरण हो गया, तो और सुनिए, और सुनिए, और बताइए, अपना 10 चलिए चलिए, आप सुनाते हैं, अपना 4 कहा, 10 सुनाता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, और सुनिए, अब जवाब सुन लेते ना, एक एक 10 नहीं याद आएगा, चलिए चलिए सुनाने सुनाने दीजिए, सुनाने दीजिए, देखिए ये जो मैंने चौपाई सुनाई थी इसका अर्थ क्या है? यहाँ बेटियां भी बैठी हैं हमारी, कोई बेटी क्या इसका समर्थन कर सकती है? उसमें लिखा है स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो,
मनोहर पुरुष को देखते, सुंदर पुरुष को देखते द्रवित हो जाती है। ओहो, ये तो केटी हसन बोले थे, ये तो केटी हसन इनके सांसद बोले थे कि लड़कियां अगर खुले हिजाब से बाहर रहेंगी तो वो भड़क जाएंगे। सुनिए, केटी हसन बोले थे। अच्छा, उस पर बोल सकते हैं आपके सांसद? सुधांशु, अब आप अपनी बात को रखिए 50 सेकंड, फिर देखिए शिवम त्यागी इंतजार। पहली बात मैं कहता हूँ, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, इनके सांसद केटी हसन, एसटी हसन बोल चुके हैं हिजाब वाले मुद्दे पे, और इनकी औकात नहीं है कि उस पर कुछ बोल दे। मैं औकात कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर औकात नहीं है बोल दे, और जो बोल रहे हैं भूख सच नहीं हो जाता। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या नहीं है बोलने की? अरे बोलो 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 बोलो, औकात है, तर्क कीजिए, डांस करने की क्या जरूरत? डांस कौन कर रहे हैं? डांस रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। सरकार से बोला गया महिलाओं का सम्मान नहीं, रामचरित मानस में तो शबरी के बारे में आप क्या कहेंगे? माँ शबरी के तो झूठे बेर राम ने खाए थे, और जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था फिर? अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला राम जी ने खाए थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती है। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से, अरे सुनो, तो गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है, कमाल की बात हो गई। कोई और ग्रंथ क्यों रिकॉर्ड कर की बात, बार बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये ले लो, चलो ये पढ़ लो सर, तो ये क्या तरीका है, ये पढ़ ये क्या तरीका है? अच्छा ये भैया पढ़े लिखे हो, क्यों पढ़ रहे हैं? मुक्तापूर्ण बात मत, नहीं नहीं, अच्छा एक एक, अच्छा ठीक है, कहने शब्दों की मर्यादा होती है। अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं, और अर्धनारी ईश्वर की परिकल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं। बोलिए, औकात था तो बोलिएगा। जन्म अयोध्या में हुआ ये हम सब मानते हैं, तो मुगल काल में अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद रख दिया गया था, और उसका दोबारा नाम चेंज करके अयोध्या रख दिया गया जी। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था, क्या तकलीफ है? सवाल आ रहा है, इलाहाबाद का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सुनिए, इलाहाबाद, सुनिए 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 सुनिए, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद जानते कैसे पड़ा? अकबर ने अपने नाम से एक धर्म चला दिया था, दीन इलाही, यानी उसने खुद को पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। मौलवियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया कि यह एंटी इस्लामिक है, यानी इलाहाबाद जो दीन इलाही के नाम पर लिखा गया वो एंटी इस्लामिक था, मगर आज छाती पीट पीट के ओढ़ लिए कि इस्लामिक है, इस्लामिक है, इस्लाम। अरे आपको स्वागत करना चाहिए, वरना आप क्या दीन इलाही में विश्वास करते हैं? पूछिए, मानते हैं अकबर पैगंबर था? नहीं, वो तो नहीं मानते, मगर इलाहाबाद जो, देखिए, दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं, दो वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ तो अखिलेश जी कहते हैं कि मुझे सपनों में श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार रामचरितमानस का अपमान करते हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव उस समय कुछ नहीं बोलते, और एक तरफ वो अपने आप को हिंदू भक्त बताते हैं। वैसे इन लोगों का एक ही राय है कि 2024 में अगर इनको मोदी जी और योगी जी को हराना है तो किसी तरह मुसलमान और दलितों को एकत्र किया जाए। वैसे आप लोगों की इन लोगों के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।